साल 2021 सेकेंड लॉकडाउन जस्ट स्टार्ट हुआ था और जो इससे पहले लॉकडाउन लगा था 2020 वाला, उसमें मैंने अपना अच्छा खासा समय को बर्बाद किया वेब सीरीज और मूवी देखने में। बट 2021 को मैं ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। फिर मैंने सोचा यार घर पे रहते हुए हम लोग इंटरनेट पे क्या क्या कर सकते हैं, तो मुझे दो चार जेन्युइन टॉपिक मिला जो मुझे भी एक अंदर से ट्रस्ट था कि हाँ यार ये तो रियल वे अर्निंग करने का या कुछ नया सीखने का। तो जिसमें मुझे पता चला कि उसमें ड्रॉप शिपिंग होता है, एफिलिएट मार्केटिंग, वेबसाइट बनाकर उसमें हम लोग पोस्ट डाल सकते हैं, ये सब बहुत सारा टॉपिक मुझे पता चला। पर एक अंदर से एक इच्छा नहीं था कि ये सब कुछ करूँ। फिर मुझे एक बात पता चला कि मैं जब टिकटॉक बैन नहीं हुआ था उससे पहले तो मैं यार अपने दोस्तों का वीडियो बनाया करता था। मुझ पे आती तो मैं छोड़ देता हूँ। भाई 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 जरा इधर आना, इसमें क्या लिखा है जरा पढ़ के बताओ। मैं कौन हूँ? और भैया लॉकडाउन में बाहर निकल के कितने डंडे खा लेते हो? 350। 350 बेइज्जती मिला के। तो क्यों ना यार वीडियो एडिटिंग सीखा जाए एक प्रोफेशनल वे में। फिर मैंने निकाला YouTube पे ट्यूटोरियल्स वगैरह और स्टार्ट कर दिया वीडियो एडिटिंग सीखना। उसमें मैंने जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर, जानते हो यार, फिल्मोरा बेसिक सॉफ्टवेयर, वो मैंने यार जड़ तक सीख लिया था। और इतना सीख लिया था कि हाँ यार एक एडिटिंग तो आती थी पर उतना प्रोफेशनली बेसिक एडिटिंग आती थी। अब मैंने सोचा यार जब एडिटिंग आती है तो इसका कहीं इस्तेमाल किया जाए। YouTube पे एक वीडियो रिकमेंड होता है फ्रीलांसिंग। अब क्या था, फ्रीलांसिंग मैंने स्टार्ट किया। अब करते करते यार मैंने लॉकडाउन में इतना कुछ कर लिया वीडियो एडिटिंग प्लस फ्रीलांसिंग के दम पे, थोड़ा बहुत तो अचीव हो ही गया था, जो एक ड्रीम टाइप का बोल लो आप, वो मैंने अचीव किया लॉकडाउन के दौरान। बस उसके बाद मैंने सोचा कि यार एडिटिंग में बहुत मज़ा आ रहा है तो मैं इसे प्रोफेशनल वे में करते हैं। फिर मैं अभी अभी सीख रहा हूँ एक अच्छे इंस्टीट्यूट से एडिटिंग वगैरह और प्रोफेशनल वे में कि कैसे एडिट किया जाए, तो ये सब है। तो अगर आप भी सच में इंटरेस्टेड हो यार एडिटिंग वगैरह में तो आप भी स्टार्ट कर दो सीखना। लॉकडाउन में सारे बिजनेसेस ऑनलाइन आए और बहुत ही ग्रोथ कर रहे हैं और नए नए कंटेंट क्रिएटर वगैरह बन रहे हैं। फिर शॉर्ट्स वीडियो का भी कंटेंट बहुत ज़्यादा भी कंज्यूम किया जा रहा है, तो ये सब में एडिटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है इसे अच्छा सा क्रिएट करना और एक अच्छा वे में प्रेजेंट करना। तो अभी मार्केट बहुत ही बड़ा है, अगर आप वीडियो एडिटिंग अभी से सीख लेते हो तो फ्यूचर में यार कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। मैं इस वीडियो में इतना ही बता सकता हूँ कि यार मैंने वीडियो एडिटिंग से थोड़ा बहुत तो अचीव तो कर ही लिया है। तो अगर आप भी ये सब वीडियो में इंटरेस्टेड हो, अगर देखना चाहते हो एडिटिंग से रिलेटेड कुछ भी वीडियोस, तो यार कमेंट करो यार। अगर हो पाए तो मैं क्रिएट करूँगा वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।